डॉटी हो रही हो। दूर फोन दूर रखो। प्यारा लड़का देखा नहीं फोन पास ले आए, ये क्या बात होती है? क्या कह रहा चूतिया? मैं सर ज़ूम आउट और ज़ूम इन गेम ही खेलते रहोगे? गेम तो खेलना पड़ेगा। टेंशन मत, तुम्हारे दिल के साथ गेम नहीं खेलूंगा, तुम्हारे साथ तो खेलूंगा। क्या वॉलीबॉल? एक बार दिला दे। सासू माँ आएंगे? खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। मैं बोली कह रहा हूँ, कब आ रही हो यहाँ? कब आ रही हो तुम बहू बन गए? तुम कब आ रही हो लेने बरात लेके? कभी भी आ जाऊंगा, तुम कह दोगे तभी आ जाऊंगा। तुम कल आ जाओ। ठीक है, तो फिर आना बिना उसके नहीं आओगे क्या? बरात वरात घूमटा लेके आना पड़ेगा यार, गर्मी है। अरे तो कोई बात नहीं, तुम बिना घूमटे के आ जाना यार। तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारे को तो भगाना, मेरे को भी साथ में भगा देना। नहीं भगाएंगे, मैं उन्हें समझा दूंगा कि मॉडर्न बहू है, चलता है इतना तो। उसमें आ जाना शॉर्ट्स में। ये तू भी जा, इसको भी लेके जा रहना रो, पर घर के अंदर नहीं आना, ये घर वालों के चेहरे संस्कार। कोई दिक्कत नहीं, फिर हम होटल में चल चलेंगे ना। अरे अब रात को काटना पड़ेगा ना यार शादी के बाद। अरे मैं कह रहा हूँ पैचअप नहीं करवाती हो क्या तुम? बस ब्रेकअप। अरे करवाओ मत करवाओ, खुद क्या करने चाहते हो? शादी। अब चलो मजाक खत्म। ये मजाक था क्या? मैं तो सीरियस था तुम्हें लेके। दहेज में जो फॉर्च्यूनर मिलेगी ना, उसे देख के मम्मी कुछ नहीं कहेगी। दहेज के तो आप खिलाफ है हमारे घर वाले, दहेज नहीं चलता। अगर आप मुझे कमा के नहीं दो तो मैं उड़ाऊंगा क्या? खाना बना के दोगे तो मैं खाऊंगा क्या? खाऊंगा क्या? खाऊंगा क्या, रहूंगा कैसे? हाँ यार मैं ऐसी तो बोलता हूँ, खाऊंगा जाऊंगा। लड़की हो ना तुम? चल के फ्रॉड चल रहा है। कोई नहीं, वो कन्फर्मेशन शादी के बाद हो जाएगी। मेरी सलवार में भी तलवार है। तुम्हारे साथ बाद में सच कह रहा है ना, मेरे से नहीं तो किसी और से तो एक बार चेक कर लेना। अरे यार यार गुल्लू डार्क हो रहा है, तलवारबाजी थोड़ा थोड़ा सही होता है। अरे तुम हो तो मुझे किसी और के पास क्यों जाना? क्या पता तुम मेरा दिल तोड़ के किसी और के पास चले जाओ। अरे नहीं यार, वादा देता हूँ दिल तो नहीं तोड़ूंगा, कम से कम टांगे जरूर तोड़ के फेंक दूंगा। बोले कुछ कहना नहीं चाहूंगा, मैं डार्क हो जाएगा बहुत ज्यादा मेरे माइंड में भी। तो तभी तो टमाटर बेटे मजेदार करके दिखाओ। भगवान में कहां फंस गया, मुझे ये क्या क्या करना पड़ रहा है? एक लड़की को पाने के लिए टमाटर वमाटर करो। आहा टमाटर बड़े मजेदार। अच्छा तो मैं कहता रहा हूँ बना लो तुम जो बनाना है, फिर एक दिन मेरी बारी आएगी जब मैं भी बहुत कुछ बनाऊंगा। देख लेंगे क्या हो गया। अरे जब लड़की प्यार में हो ना तो वो चीजों से खेलती है जैसे तुम खेल रही हो। तुम्हें एक साथी की जरूरत है, एक मर्द की जरूरत है तुम्हारे घर में। फिर तुम्हारे घर पे चार कमरों की भी जरूरत है। कमरों की? तीन कमरे पहले की बुक कर लो, तीन कमरे किसी के नहीं होने चाहिए, मेरे घर वालों के होंगे, एक मम्मी का, एक भाई का, एक बहन का। मेरे घर में काफी कमरे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम अपनी भैंसों को भी तो बांधते हैं। दो भैंसों को तुम्हें आपस में तो मैनेज करना है, कर लेना घर की बात। रिलर हो गया तुम? टाइम पास। तो टाइम पास मेरे साथ भी वही कर रहे हो क्या? तुम करना चाहते हो टाइम पास तो टाइम पास करेंगे, अगर तुम शादी करना चाहते हो तो तुम्हारी बारात का इंतजार कर लेंगे। हाय हाय बिल्कुल यार, बारात ही लाऊंगा मैं। अब तुम पे डिपेंड होते हो तुमने क्या करना है। मुझे तो बहुत कुछ करना है, जिंदगी में बहुत कुछ करना है। तुम्हारे साथ तुम कब आ रही हो? जब तुम बुलाओगे हम चले आएंगे। अरे मैं तो आधी रात बुलाऊंगा। फिर तो चुड़ैल बन कर आऊंगी। अरे कोई दिक्कत नहीं, बिना मेकअप के वैसे रात को चुड़ैल ही लगती हो तो। इतनी प्यारे भूतनी पर लेने आ जाए, अगर वो तुम्हारे पास रात को आ गई तो मैं पहुंच। आने दो भूत को, मेरा कमरा रेडी है। तुम भूत को भी नहीं छोड़ने वाले हो क्या? अरे अब भूत तुम जैसा होगा तो मैं क्या करूँगा यार। अगर मेरी आंखें लाल होती है ना, देखना नहीं तुम्हारी आंखों में, तुम्हारी दिख रही हूँ लाल तो दिख रही। पर मुझे मेरी आंखों में हवस दिख रही है। मतलब तुम्हें क्या पसंद नहीं है? खाना खाना पसंद नहीं है। तुम बताओ तुम्हें क्या पसंद? तुम
मतलब तुम्हारे अलावा सब बेकार लगता है, तुम पसंद हो। बस यार तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ। ऐसे आँख क्यों टिमटिमा रही हो, डिफेक्ट है क्या? इतनी हो तो अच्छा, तुम फाइव नहीं हो गया। टिंगू टिंगू कोई बात नहीं, मैं तुम्हें गोदी में उठा लूंगा। नहीं चढ़ पाओगे, गिरना नहीं चाहती मैं, क्योंकि तुम मेरे सामने झुके रहोगे ना, मतलब भी है क्यों, तुम तब तक झुके रहोगे। अरे ठीक है यार, दिन में मैं झुक लूंगा, रात को तुम। चल मम्मी पास जाके सो जाऊंगी। यार मेरी मम्मी भैंसों के साथ नहीं सोती है ना। अरे बस दहेज में मुझे एक चीज दे देना, फ्रिज फ्रिज। जेनेटिक्स है ना, ये तो हार्मोन है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। कंट्रोल, यू नो यू कंट्रोल योरसेल्फ। कंट्रोल कर कर के तो मैंने 10 साल गुजार दिए बाबू, 10 साल और गुजार लो। अरे फिर वो कंट्रोल नहीं होगा, फिर वो बंद हो जाएगा सिस्टम। मतलब 10 साल की बात होता है, तुमने चेक किया था क्या? तो मैं हर एंगल से अच्छी लगती हूँ, तुम अभी कुछ एंगल से देखना बाकी है। डाल देना, वाह बफेलो कंफर्म। डाल देना, हमारे यहाँ तो ही होती, खाना डाल दे। खाना डाल दे अबे यार, तुम यार उछलने में माहिर हो, ये तो रात को ही पता चलेगा। गुल्लू डार गोरा है गुल्लू। तुम पाँव तो बात होगी उसकी बात। अच्छा पाँव तो पाँव में, अरे हाँ पाँव का तो पता नहीं, पर गला जरूर दबा दूंगा मैं तुम्हारा। गुल्लू डार्क हो रहा है, गुल्लू डार्क हो रहा है। हम ना मतलब जैसे बिस्तर को ना बिछा देते ना, मैं पता क्या बोलती थी, बिस्तर खोप दिया मैंने। मैंने भी बिस्तर खोप दिया कब आ रही काले बाल लगे उसकी ऐसी बड़ी मेरे सामने। बहुत हो गया भाई, अच्छी है। तुम भी खुप जाओ उससे टाइम से। तुम्हारा नाम भैंस रख दूंगा। आज हमारी भैंस ने ये खाया, आज हमारी भैंस ने वो खाया, आज हमारी भैंस सूट पहन के आई, आज हमारी भैंस जिम पहन कर आई है, आज साड़ी पहन। अरे भैंस ने सूट पहन तो रखा है। हमारी भैंस बोर प्लस और लगाती है। तभी तो कह रहा हूँ यहाँ आ जाओ यार, यही है तुम्हारी इज्जत बस। हाँ भैंस वाली। अरे नहीं यार, दिल में बहुत इज्जत है तुम्हारे लिए, तुम जैसे बहुत कबूतर घूमते हैं उसमें। हिमाचल में वैसे लोगों की हाइट कम होती है, सच में। नहीं यहाँ पे लोगों की हाइट कम नहीं होती, मेरी हाइट कम है। यार तो क्या हो गया, हाइट से क्या फर्क पड़ता है, बच्चे लम्बे होने चाहिए, वो हो जाएंगे। तो हम लड़के हील पहन लेंगे, तुम लड़के अगर छोटे हो तो तुमको क्या पहनोगे? मैं तो प्रोटेक्शन पहनता हूँ, मतलब पैरों में सॉक्स हो गए ना, प्रोटेक्शन ही तो है वो। झुमका दिलाऊंगा, कंगना दिलाऊंगा, प्यारी समझ गई।